Welcome back guys. So today we will discuss place of supply for services. Place of supply हम discuss इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमें help करते हैं determine करने में taxes के taxes क्या लगेंगे. Section 12 discuss करेंगे. कल हमने goods का discuss किया था. तो आज हमने service के regarding discuss करना है guys. ठीक है. तो ये हम place of supply क्यों discuss कर रहे हैं, मैं आपको एक motive बता देता हूँ इसका. इसलिए होता है कि अगर तो supplier की location और place of supply same state में होते हैं तो guys इसको बोलते हैं intrastate supply और taxes लगते हैं CGST, SGST. अगर तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में है, मतलब दोनों डिफरेंट स्टेट्स में आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई और टैक्सेस लगते हैं आईजीएसटी. तो इसलिए गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो वो रूल्स बोलते हैं हमने 10-11 कर लिया, आज हम 12 कर रहे हैं. 12 बेसिकली गाइस उन बंदों के लिए अप्लीकेबल होगा जब बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर इन इंडिया. अगर इनमें से एक भी पार्टी आउटसाइड इंडिया तो उसके लिए रूल 13 है, वो आज डिस्कस नहीं करेंगे. आज हम 12 करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल जितना डिस्कस होगा. तो गाइस 12 रूल में कुछ स्पेसिफिक सर्विस दी हुई है, 12-13 सर्विस दी हुई है, तो उसमें स्पेसिफिक रूल बताए हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. तो बट जनरल रूल है एक, अगर उन सर्विस में आप फॉलो नहीं करोगे तो जनरल रूल अप्लाई करना होगा. तो जनरल रूल गाइस क्या बोलता है कि अगर तो आप सप्लाई करते हो B2B मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में गाइस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जहां पर वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है. ठीक है. और B2C के केस में क्या होगा गाइस, मतलब अगर आप जिस पर्सन को सप्लाई कर रहे हो वो अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गाइस क्या होगा, उस पर्सन की लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मतलब जो कस्टमर है जो अनरजिस्टर्ड है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. ठीक है. अगर सपोज करो सप्लायर के पास रेसिपिएंट की लोकेशन नहीं है, एड्रेस नहीं पता उसको, तो उस केस में गाइस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो सप्लायर की लोकेशन होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. गाइस मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि क्यों हम डिटरमिन करते हैं, हमें प्लेस ऑफ सप्लाई हेल्प करता है कि टैक्सेस डिटरमिन करने में, क्योंकि रूल है अगर तो सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई की लोकेशन दोनों सेम स्टेट में है तो टैक्सेस लगेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी. अगर तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, तो लगेगा आईजीएसटी. इसीलिए गाइस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें डिटरमिन करना होता है प्लेस ऑफ सप्लाई. तो जनरल रूल आपको पता लग गया. तो पहली सर्विस गाइस आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड सर्विस आती है. बहुत बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, बट मैं आपको कंक्लूजन में बता देता हूँ कि एक्जैक्टली क्या है, आप पढ़ लेना, कोई इश्यू होगा तो पूछ लेना. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के गाइस में गाइस क्या होगा, इस केस में ये होगा गाइस कि आपकी सपोज करो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कौन सी सर्विस प्रोवाइड की, या आर्किटेक्ट प्रोवाइड करते हैं मतलब नक्शा बनाने की, या इंजीनियर प्रोवाइड करेंगे, या इंटीरियर डेकोरेटर मतलब बिल्डिंग बनने के बाद कुछ अगर बेड कहाँ रखवाना है, डाइनिंग टेबल कहाँ रखवाना है, वो सर्विस ली है, या रेंटिंग की मतलब आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया, कोई सर्वेयर की, तो उस केस में गाइस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, किस केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, तो जहां पर वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है. सपोज करो आप AO वो हरियाणा में बैठे हो, बट आपकी प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दी हुई है बिल्डिंग वो है बॉम्बे में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा गाइस, बॉम्बे होगा. तो उसके उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और डिटरमिन करना पड़ेगा टैक्स कहां पे लोकेटेड है. ठीक है गाइस, ये वही आगे एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है गाइस कि सपोज करो जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है वो आपकी एक से ज्यादा स्टेट में लोकेटेड है, मतलब बॉम्बे में भी है और कहां पर है, एक दिल्ली में भी है और आप हरियाणा में हो, तो गाइस इस केस में ये लिखा है कि वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, तो सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, हर उस स्टेट में जहां जहां पर वो बिल्डिंग लोकेटेड है, जो मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसी बेसिस पे आपको डिटरमिन करना पड़ेगा वैल्यूज कि हरियाणा में भी, देखो हरियाणा में भी लगे, आप हरियाणा में वो बिल्डिंग दिल्ली में भी है और बॉम्बे में भी है, तो दिल्ली बॉम्बे दोनों को स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, कितनी वैल्यू पर टैक्स लगाना है गाइस. ठीक है. तो सेकंड सर्विस में चलता हूँ. सेकंड सर्विस बेसिकली है कि कैटरिंग की जो सर्विस है, ये लिखा गाइस, रेस्टोरेंट की जो सर्विस है, कैटरिंग की जो सर्विस है, या कोई फिटनेस की सर्विस है, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने का गाइस, हेल्थ की सर्विस लिया आपने, तो इस केस में गाइस क्या होगा, मतलब आप बाल कटवाने गए हो, ठीक है सैलून में गए बाल कटवाने, तो उस केस में सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, रेस्टोरेंट में गए हो गाइस, ठीक है, तो उस केस में सर्विस का क्या होगा, कैटरिंग सर्विस है, कोई हेल्थ की सर्विस ली है, तो उस केस में गाइस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, मतलब आप ए में बैठे हो बट आप अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने कहां जा रहे हो, या कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने कहां जा रहे हो, बॉम्बे में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर ये सर्विस परफॉर्म हुई, मतलब बॉम्बे में अगर गए हो तो ब्यूटी ट्रीटमेंट वहां पर करवाया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा बॉम्बे. आई होप गाइस ये आपको समझ में आया. अगला पॉइंट गाइस क्या कह रहा है कि ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज करो आप एक कंपनी में काम करते हो ए, वो है आपकी दिल्ली में, बट इस कंपनी ने आपको ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया है कहां पर, बॉम्बे में, तो इस केस में गाइस ये बोल रहा है कि
प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर तो गाइज ये सर्विस, जैसे कि सपोज करो ट्रेनिंग दी जा रही है बॉम्बे में, और आपको आपकी कंपनी ने, जो कंपनी आपकी लोकेटेड है हरियाणा में, आपकी कंपनी ने आपको भेज दिया है बॉम्बे में ट्रेनिंग लेकर आओ, तो अगर तो जो सर्विस दी जा रही है आप रिसीव कर रहे हो एक्चुअली में, बट आप कंपनी के बिहाफ पर जा रहे हो, और अगर कंपनी वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई गाइस क्या होगा? जो आपकी कंपनी की लोकेशन है, मतलब अगर आप बॉम्बे जा रहे हो, बॉम्बे वाला पर्सन आपको ट्रेनिंग दे रहा है कि आप सैप की ट्रेनिंग ले लो, टैली की ट्रेनिंग ले लो कि कैसे चलानी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गाइस क्या होगा? बॉम्बे नहीं होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा कि जिस कंपनी के बिहाफ पर आप गए हो, कंपनी कहां पर है आपकी, जैसे आपके केस में सपोज करो हरियाणा में कंपनी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा हरियाणा। अब सपोज करो जिस कंपनी के बिहाफ पर आप जा रहे हो वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में गाइस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म करी है, मतलब ट्रेनिंग दी है, मतलब हमारे केस में बॉम्बे। तो मैं रिपीट करता हूं, अगर तो कंपनी के बिहाफ पर आप जा रहे हो और कंपनी रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखा जाएगा जहां कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है जिसके बिहाफ पर आप जा रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखा जाएगा कि कहां पर सर्विस परफॉर्म हुई है, मतलब हमारे केस में बॉम्बे, जहां पर सर्विस परफॉर्म हुई है जब वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर हरियाणा में है तो हरियाणा में, बॉम्बे नहीं देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अगला गाइस क्या है कि कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं कंपनीज की, कोई मान लो सिंगिंग का कंपटीशन है, या कोई साइंटिफिक एजुकेशनल देनी है, एक एजुकेशन सर्विस देनी है, कुछ कुछ भी, किसी भी केस में गाइस, मान लो जीएसटी के सेमिनार्स है कोई ऑर्गेनाइज कर दिया है, या कल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए कर दिया आपके लिए, ठीक है, कोई ट्रेड फेयर चल गया है, कोई एग्जीबिशन चल गया, तो उस केस में गाइस दो तरह की सर्विस होती है, एक तो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक उस इवेंट की एडमिशन लेने के लिए, टिकट बाय करने के लिए। तो गाइस उस केस में क्या होगा, गाइस भी बहुत बड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको फिर भी रिपीट करके बता रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली मैंने नोट किया हुआ है, तो आप गाइस कुछ भी इसमें पढ़ने में इशू आएगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तो अगर आपका कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है रिगार्डिंग, जो मैंने आपको सर्विस बोले कि सपोर्ट स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, एजुकेशनल के रिगार्डिंग, एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग, तो उस केस में गाइस क्या होगा, अगर तो आपको जो टिकट बाय करनी है, तो टिकट के केस में गाइस कौन सा प्लेस अप्लाई होगा? जैसे कि आपको एडमिशन लेनी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जहां पर इवेंट एक्चुअली हो रहा है। जैसे सपोज करो आप बैठे हो बॉम्बे में और इवेंट हो रहा है दिल्ली में, तो ठीक है गाइस, आपको टिकट लेनी है, तो टिकट की कॉस्ट पे जो सर्विस टैक्स जीएसटी लगेगा गाइस, तो उसको, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटर्मिन होगा? आप तो बॉम्बे में हो, तो डिटर्मिन होगा कि कहां पर वो इवेंट हो रहा है। आप अगर दिल्ली में बैठे हो और इवेंट हो रहा है बॉम्बे में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखा जाएगा बॉम्बे में जहां पर वो इवेंट हो रहा है, ठीक है। ये तो बात होगी टिकट की। अब ये तो टैक्स लगाया जा रहा है टिकट के ऊपर, अब जो बंदा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है गाइस, जो सर्विस दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन की मैं ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं, तो उस केस में गाइस क्या होगा, अगर तो कोई बंदा ए पर्सन ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है आपकी कंपनी के लिए, ठीक है, और जो कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में गाइस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपकी कंपनी का लोकेशन। ये भाई बिल्कुल वही लिखा हुआ है, आपकी कंपनी की लोकेशन। अब सपोज करो अगर आपकी कंपनी जो है अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में गाइस क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर ये इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है। गाइस ये बिल्कुल सेम है जो हमने ये डिस्कस किया था, कौन सा, ये जो हमने ये डिस्कस किया था ना गाइस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, बिल्कुल इस केस में भी वही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के। मतलब अगर तो कोई पर्सन जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट, उस पर्सन के लिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब ए ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट, किसको, किसके लिए कर रहा है, आपकी कंपनी के लिए जो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में गाइस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपकी कंपनी की लोकेशन, ठीक है। ये नहीं देखा जाएगा कि इवेंट कहां पर हो रहा है, बॉम्बे में नहीं देखा जाएगा, आपकी कंपनी की लोकेशन देखी जाएगी कि जो दिल्ली में वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। बट सपोज करो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में गाइस देखा जाएगा कि इवेंट एक्चुअली कहां पे हेल्ड है, शैल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। मतलब हमारे एग्जांपल में जैसे बॉम्बे में इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा गाइस, बॉम्बे होगा, ठीक है। इस केस में गाइस प्लेस ऑफ सप्लाई होगा बॉम्बे जब आपकी कंपनी अनरजिस्टर्ड है। अब गाइस ये अगला पॉइंट ये लिखा कि सपोज करो जहां पर इवेंट हो रहा है आपकी कंपनी अनरजिस्टर्ड है, और आपको अगर अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां देखना होगा, जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड है, मतलब सपोज करो बॉम्बे। बट ये कह रहा है कि सपोज करो इवेंट जो है इंडिया के बाहर हो रहा है, मतलब आपकी कंपनी भी अनरजिस्टर्ड है और इवेंट भी बाहर है, तो गाइस उस केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। मतलब एग्जांपल के साथ देखते हैं, इवेंट हो रहा है बॉम्बे में, आप बैठे हो दिल्ली में, और
आपकी कंपनी भी दिल्ली में है पर आपकी कंपनी अनरजिस्टर्ड है, तो गाइस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या क्या होगा, जहां पे इवेंट हो रहा है मतलब बॉम्बे में। अब सपोज करो जो इवेंट है वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो गाइस इस केस में क्या होगा, आपको प्लेस देखना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और आप कहां पर हो मतलब रेसिपिएंट कहां पर, दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा दिल्ली। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट और ले लेता हूं गाइस मैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर, ठीक है गाइस। तो इस केस में गाइस क्या करना है, अगर तो आप ये सर्विस देते हो रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब आपकी कंपनी को सर्विस दी जा रही है जो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में गाइस बिल्कुल सेम जैसे पहले ट्रेनिंग का पड़ा था या इवेंट का पड़ा था, अगर तो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस प्लेस की लोकेशन को देखना है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। बट सपोज करो अगर जिसको ये सर्विस दी जा रही है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो देखा जाएगा कि लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, ट्रांसपोर्टर बैठा है गाइस बॉम्बे में, सर्विस जो दी जा रही है ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की जिस कंपनी को दी जा रही है वो है दिल्ली में और वो रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गाइस क्या होगा, कंपनी की लोकेशन मतलब दिल्ली में, रजिस्टर्ड पर्सन है। अब सपोज करो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो पर्सन है जिसके बिहाफ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो गाइस उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा उस लोकेशन का जहां पर आपने गुड्स हैंड ओवर की थी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। मतलब गाइस जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टर बैठा है बॉम्बे में और अगर तो आप जो सर्विस ले रहे हो ट्रांसपोर्टेशन की आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा आपकी लोकेशन। अगर सपोज करो आप अनरजिस्टर्ड हो मतलब आपकी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है ही नहीं है तो उस केस में गाइस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो लोकेशन जहां पर आपने गुड्स हैंड ओवर की थी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आप हरियाणा में बैठे हो और मतलब आप दिल्ली में हो जहां पर आपकी कंपनी है अनरजिस्टर्ड है और ट्रांसपोर्टर है बॉम्बे में, तो आप क्या कर रहे हो, हैंड ओवर कर रहे हो गुड्स को। कैसे, आप जैसे आप सपोज करो ट्रेन में लेके जा रहे हो, आप तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आप ट्रेन में कैसे लेके जाओगे, आप थ्रू डिलीवरी चलान ले जाओगे, डिलीवरी चलान लेने के बाद आप बॉम्बे में उतरे, ट्रेन से गए हो आप, तो आप वहां पर उतरे, आपने हैंड ओवर कर दिए ट्रांसपोर्टर को कि भाई मेरी ये गुड डिलीवरी कर दे वहां पर सो एंड सो प्लेस पर, तो गाइस आपने कहां पर हैंड ओवर किए गुड्स को, बॉम्बे में, ठीक है। ये एग्जांपल मैं फिर से बोलता हूँ, आपकी कंपनी दिल्ली में अनरजिस्टर्ड है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट करने है और आपका ट्रांसपोर्टर बैठा है बॉम्बे में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्टर बैठा है बॉम्बे में, तो आपको गुड्स, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करना है इस केस में, तो क्या होगा गाइस, आप क्या करोगे, आप सपोज करो ट्रेन में जा रहे हो तो आप ट्रेन में कैसे जाओगे, आप रजिस्टर्ड तो है नहीं हो तो आप डिलीवरी चलान के थ्रू जाओगे, डिलीवरी चलान के थ्रू आप ट्रेन में चले गए और आपने अपनी गुड्स अपने इस लोकेशन से रिमूव कर दिया। अब आप हैंड ओवर करोगे इन गुड्स को कहां पर, बॉम्बे में, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टर वहां बैठा है, तो उस केस में लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर आपने गुड्स हैंड ओवर किए ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, मतलब बॉम्बे की लोकेशन। आई होप गाइस आपको समझ में आया, अभी तक हमने यही पॉइंट डिस्कस किया आठ तक, अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा और एग्जांपल्स के साथ इजी लग रहा होगा गाइस, कोई भी इशू होगा गाइस फिर से पूछ लेना मेरे को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, थैंक यू।